जैसे मुझे VBA प्रोग्रामिंग के जरिए A1 में किसी चीज को टाइप करवाना है, तो वैल्यू टाइप करवाना है, तो कैसे टाइप होगा? तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ लिखेंगे रेंज A1 या फिर रेंज की जो भी कॉलिंग मेथड है जो कि मैंने कल बताया था उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर टेक्स्ट है तो इनवर्टेड कॉमा में, नॉर्मल है तो सॉरी टेक्स्ट है तो नॉर्मल हम लिखेंगे। तो A1 डॉट वैल्यू हमने कर दिया, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेंज इस तरह से B1, और मुझे डॉट वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। या फिर कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कि रेंज C1 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू यहाँ पे आपका मार्क्स लिखा हुआ है। तो इन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने रेजन डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम कर दिया तो जो आपका एक्टिव सेल है वही आपका शो। ठीक है, एक्टिव सेल है वही आपका शो होगा, उसी पे डेटा टाइप होगी। लेकिन मान लीजिए मैं C3 के A1 में रखना चाहता हूं, तो उसके लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ पे लिखें सीट, और यहाँ पे सीट का 3 जो भी इसका रेफरेंस है C3 डॉट सेलेक्ट, उसको एक्टिवेट करें, और फिर रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम करते। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि दोनों को कंबाइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी है इसलिए हम कंबाइन भी लिख सकते हैं कि C3 डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। वही अगर किसी अनदर वर्कबुक से Book 2 में मुझे लिखना है हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्कबुक। देखो वर्कबुक ओपन होना चाहिए, नहीं है तो फिर ओपन करवाने का कोड डालना पड़ेगा आपको, book2.xlsx या xlsm जो भी है डॉट एक्टिवेट, और यहाँ पे आप अपनी वैल्यू डालेंगे। तो एक तरीका ये देखिए, लिखने का तरीका आपके सामने है। अब अगर किसी से अगर आपने सिर्फ एक लाइन लिख दिया तो जो एक्टिव फाइल के एक्टिव शीट में वैल्यू चली जाएगी। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि किसी डिफरेंट फाइल में है, तो फिर आपको दो मेथड है, एक मेथड तो ऐसे पूरा करना होगा, दूसरा मेथड ये है। तो अगर अनदर फाइल में है तो फिर आपको फाइल का रेफरेंस भी यहाँ पे देना। समझ में आया आपको? हाँ जी सर, ठीक है। तो किसी सेल पे वैल्यू कैसे डालेंगे इसमें ना आ गया, अगर वो वैल्यू सेम फाइल में है। सेम सीट पे है तो ठीक है, क्लियर है सर आपको? अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सीट है, मैंने एक फॉर्म बना दिया, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पर आपको प्रोजेक्ट करना है, ये हमारा डेटा है। तो मान लीजिए कि मैं चाहता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे नेम लिख दिया, यहां हमने सिटी लिख दिया, और यहां पे हमने मार्क्स, तो मैं चाहता हूं जो मैं यहां नेम लिखूं वो डेटा के यहाँ A2 में आ जाए। मतलब कि इस बार जो है हम मैन्युअली कोई वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक सीट की वैल्यू दूसरे सीट पे, एक सेल की वैल्यू दूसरे सेल में चले जाए, चाहे वो सेम सीट पे हो या अनदर सीट पे। तो उसके लिए क्या कोड लिखेंगे, यहां ध्यान से देखिएगा इसको।
जो रिसीवर कौन सा है, रिसीवर हमारा डेटा सीट का ए टू है, तो यहां हम देंगे सीट्स डेटा डॉट रेंज ए टू डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने बोल दिया रेंज कौन सा है यहां पे फॉर्म में V4 वैल्यू। बोलेंगे कि सर यहां तो हमने सीट का रेफरेंस दिया बट इस साइड सीट का रेफरेंस नहीं दिया ना, तो जब ये माइक्रो रन होगा तो आपको यहां फॉर्म सीट एक्टिवेट होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि फॉर्म सीट एक्टिवेट नहीं होगा तो आप इसके आगे भी फॉर्म सीट फॉर्म का दे सकते हैं कि फॉर्म ओके। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी रन होगा डेटा के नाम दे, इसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक मिनट मैं रन दिखाता हूँ, पूजा लिखा हुआ है ना, अब मैं इस माइक्रो को रन करता हूँ तो डेटा शीट में देखिए पूजा आ गया। अब मैं यहाँ मान लीजिए कि नीरज दे दिया और नीरज देने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ नीरज, तो इसने पूजा को ही नीरज कर दिया, इसने पूजा को ही नीरज कर दिया। सर एक बार ये रिपीट करना स्टेप। पूजा को नीरज कर दिया तो मैं चाहता हूं, नहीं, नहीं नहीं मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो पहले से डेटा एंट्री है वो तो रहे, नई डेटा इसके नीचे आके एंट्री हो जाए। क्या सर? अच्छा माइक्रो ये माइक्रो रन करूं तो मेरी जो नई एंट्री है वो जो पहले से एंट्री है उसको रिप्लेस ना करके इसके नीचे आ जाए, तो मुझे ये फिक्स कर रखा है ए टू, इसको चेंज करना हो तो लास्ट कल की क्लास में हमने आपको गैरेज बताया था ना कि लास्ट ब्लैंक सेल पे लाने के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि हम पैरामीटर से ऊपर की तरफ जाएंगे ऑफसेट से नीचे आएंगे ना सर? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे हम वही सेम फीचर्स अप्लाई करेंगे कि 65,000 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट पे। अभी क्या होगा कि अब मैं मैट्रो को रन करता हूं तो देखिएगा कि पूजा के नीचे नीरज आ जाएगा, अगर मैं कोई और प्रोविजन कविता कर दिया तो अब क्या होगा और नीरज के नीचे कविता को देगा। समझ में आया लाइन की नहीं सर? गैरी जी हाँ जी सर ठीक है पता लग गया। तो अब मैं चाहता हूं कि बाकी भी सीट में आ जाए, बाकी भी आ जाए तो दो तरीके हैं इसके कि हम इसको तीन लाइन है ना तीन कर देता हूं और यहां पे मैं कर देता हूं यहां पे एक जगह पे बी, बी के जगह पे इस यहां पे सी और यहां जो है हमारा ये है हमारा एक मिनट इसमें कलर कर देता हूं। कलर कर दिया ना गैरी जी? तो अब देखिए कविता सिटी और अमाउंट है, मैं चाहता हूं सिटी में जो सिटी है ये भी आ जाए, सिटी मान लीजिए पुणे है और यहाँ पे अमाउंट हमारा मान लीजिए मैं सर सर और जो पहले से डेटा है मान लीजिए मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मैं B7 और B10 तो यहाँ जो B4 था तो उसको 7 करना होगा और यहाँ पे 10 करना और मैं चाहता हूँ इस माइक्रो बटन से रन हो तो मैंने डेवलपर में गया और एक बटन को ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद ई को सिलेक्ट करके ओके कर दिया और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ बटन वन के जगह पे सेव। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे डेटा आ गया हमारा, उसको कोई और नाम दूंगा तो भी है लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि मान लीजिए मैं दूसरी एंट्री जो है ब्लैंक छोड़ दिया तो आप देखेंगे
यहाँ पे कविता और नंबर दे दिया। अगला बार मैंने यहाँ पे कर दिया मोहन और सिटी कर दिया मैंने मान लीजिए जयपुर और ये हमारा 1500 कर दिया एंड सेव। तो अभी करेक्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं करेक्ट आएगा? कि जयपुर जो था वो मोहन का सिटी था, वो चला गया कविता। ऐसा क्यों हुआ गैरी जी, बताएंगे आप? ये यहां पे जयपुर, मैं एक बार थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं। बताएंगे जी इसी प्रॉब्लम क्यों हुई? नहीं सर, मैंने देखा नहीं, सॉरी। इस कोड को देखा नहीं आपने? नहीं, कोड तो ठीक है सर, कोड का तो पता लग गया। हाँ, तो वही है ना, जैसे कि सिचुएशन बता रहा हूँ, आप जब भी मैप बनाएंगे तो आगे की सिचुएशन भी आपको समझनी होगी। देखिए मैं दोबारा बता, पहले कोड को समझ लीजिए। कोड क्या है? ये है ए 65000 ए ऑफसेट 1.0 और इसमें कर दिया बी डॉट एंड ऑफसेट 1 और यहाँ पे आपका और सी 65000 एंड ऑफसेट 1 दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि किसी भी सेल को नीचे सबसे लास्ट या नेक्स्ट ब्लैंक सेल पे कैसे जाते हैं, वो तरीका है। ओके, अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि इसमें मान लीजिए हमने पहली एंट्री की फिर दूसरी एंट्री में मैंने यहाँ पे डाल दिया पूजा और मैं सिटी डालना भूल गया या फिर इसकी सिटी डेटा में नहीं था। एंट्री किया तो डेटा में देखिए पहली डेटा तो एंट्री हो गई, दूसरे में पूजा के सिटी नहीं था तो ब्लैंक छोड़ दिया, इट्स गुड। तीसरे में हुआ कि मुझे यहाँ पे मान लीजिए केके का शहर है और इसकी सिटी दिल्ली है। अब मैं इसमें जब सेव करूंगा तो केके का दिल्ली जो है ये पूजा का सिटी में सेव हो जाना है। ऐसा इसलिए हुआ कि लाइन में लाइन को समझिए। पहला लाइन क्या है कि क्योंकि यहां से ऊपर गया और फिर नीचे आया और एंट्री कर दी इसने मान लीजिए केके, राइट। फिर दूसरा लाइन कहता है कि बी 65000 एंड एक्सेल अप, तो बी 65000 ऊपर गया तो ए पूजा की सिटी में चला गया ना, बात समझे? जब वो एक रो नीचे आएगा तो के पे आएगा ना, यहां पे आएगा, सुना है कि नहीं सर? ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि कोई एक कॉलम आप फिक्स कर लीजिए जिसका नेम हमेशा हो। जैसे मैं नेम को एक कॉलम नेम को कर लिया कि नेम होगा ही, उसके बाद आप ए 65000 ही रखें, आप यहां पे रो को जीरो कर दीजिए, कॉलम को वन कर दीजिए। यहाँ पे रो एंड कॉलम, यहाँ पे कॉलम टू और ए ही रहेगा। तो ये क्या होगा बताता हूं आपको, ये होगा कि सबसे पहले नीचे से ऊपर आएगा पहली लाइन और नीचे आएगा इसने पूजा एंट्री कर, राइट। नेक्स्ट टाइम भी क्या होगा कि ए में ऊपर जाएगा, अब जो है दूसरा लाइन हमने क्या लिख रखा है कि भाई इसमें रो नहीं चलना है आपको कॉलम चलना है, ये क्या करेगा एक कॉलम आगे जाएगा और यहाँ पे जयपुर एंट्री कर देगा। और सेम हमारा तीसरा लाइन में नीचे से ऊपर जाएगा और दो कॉलम, क्योंकि रो जीरो है कॉलम टू है, तो जीरो यहाँ पे जीरो वन टू और यहां आएगा अपनी वैल्यू डाल देगा, समझ गया? तीसरा लाइन में जब वो नेक्स्ट टाइम रन करेगा तो सेम इसी चीज को प्रोसीजर को फॉलो करेगा, यहां आएगा और इसने मान लीजिए कविता का डाल दिया, फिर वापस आया इसकी यहां पे आया कुछ नहीं था तो कुछ नहीं डाला, फिर वो मार्क्स पे आया और मार्क्स को डाल दिया, फिर वापस मान लीजिए केके की एंट्री करेगा वो तो नीचे से ऊपर जाएगा नीचे आएगा और केके को यहाँ एंट्री कर देगा और उसकी सिटी एंट्री करते समय ऊपर जाएगा और वो जो है आगे बढ़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं कि इसके ऊपर ब्लैंक है,
और यहाँ पे उसकी सिटी जो है दिल्ली था। आपको समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं सर? हाँ जी सर ठीक है। यहाँ पे एक चीज और भी है, किसी मैसेज बॉक्स आना चाहिए MSG बॉक्स, डेटा सेव, और जो पहले से डेटा है वो क्लीन होना चाहिए। तो मैंने यहां लिख दिया रेंज B4, B7, B10 और क्लियर कंटेंट, ठीक है। जब मैं इसकी एंट्री करूंगा तो ये डेटा सेव और ये पूरा खाली हो जाएगा। देख फॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है और डेटा एक के नीचे एक एंट्री कर रहा है, क्या सर? समझ आ गया आपको सर? हाँ जी सर। ये क्लियर कंटेंट्स जो आपने ये जो कोड लगाया है डॉट क्लियर कंटेंट्स, जो भी एक्सेल में होगा वो पूरी की पूरी एक्सेल को वो वाइप आउट कर देगा। ये क्या कहेगा B4, B7 और B10, तो एक कंट्रोल के साथ B4, B7 और B10 को सिलेक्ट करेगा। होम मेनू बार में आपके यहाँ क्लियर के अंदर में क्लियर कंटेंट्स होता है, इसको समझे। इसका काम क्या है कि इसके अंदर डली किसी भी तरह की वैल्यू को क्लियर कर देना, मतलब कि डिलीट कर देना, समझ गए? हाँ जी। अब इस कोड को एक बार और ध्यान से देखिए और बताइए किसी तरह का कंफ्यूजन तो नहीं है सर? ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो समझ में इसलिए नहीं आया कि कल क्लास ज्वाइन नहीं की सर। हाँ मुझे एक्चुअली मेरे माइंड से स्किप आउट हो गया था एंड मेरे को याद नहीं रहा कल की क्लास में आने का। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दी है मैंने, आप उसको अच्छा। देखिए क्लास समझ में आ गया, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। आपको समझ में आया गैरी जी की नहीं? गैरी जी हाँ जी सर, आप म्यूट हो गए थे दो मिनट के लिए वहां पे, क्या बोले आप? बोले समझ में आया आपको कि नहीं? हाँ जी सर, हाँ जी ये क्लियर है। तो क्लियर है तो मुझे एक फॉर्म बना के बताइए अभी। हाँ अभी पंडित से निकालूंगा मैं, अभी के बाद पता नहीं आपके पास टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तो टाइम है ना, क्या बोल रहे हैं सर? हाँ जी सर, अभी के बाद टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी थोड़ी। ओके सर, सीरियसली मैं अभी ब्राउन और बना के आप क्या कर, सबसे पहले क्या अब ऐसे ही बनाना है, अब फॉर्म क्या फॉर्म बनेगा वो पहले डिसाइड करना। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि गूगल पे जाके फॉर्म को सर्च करना, इमेज पे चले जाइए और एक सुटेबल फॉर्म जो आप बना सके और देखने में थोड़ा सा अच्छा है, जैसे इसी को ले लीजिए, समझे? कॉन्टेक्ट एस का ऐसे और भी फॉर्म हो सकते हैं ना, जैसे ये है आपका, इसकी जो पार्ट एक्सेल में बन सकते हैं बन सकते हैं, जो पार्ट नहीं बन सकते वो कोई बात नहीं। ओके डेटा एंट्री फॉर्म आप यही बना दीजिए और बनाने के बाद फिर जो है आप उसकी फॉर्म पहले एक फिर फॉर्म को डिजाइन करें बटन, फिर आप उसके सारे हेडिंग्स यहां डिजाइन करें और फिर जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो डेटा एक फॉर्म में इस तरह से यहां अरेंज हो जाना चाहिए।
समझे सर? तो अब ये बना लेंगे, फिर अगली क्लासेस जो है इसके आगे, ठीक है? ठीक है, तो इसको बना के मुझे फटाफट भेजिए, फिर अगली क्लास में इससे आगे बात करते हैं। ओके, ठीक है, छोटी मोटी डाउट के लिए मुझे आप कॉल कर लीजिएगा, प्रॉब्लम बाकी जो बड़ी डाउट होगी तो कल पूछ लेंगे। और बना के भेजिए, अभी भेजिए, मतलब अब कल तक पता नहीं आपका क्या सिचुएशन होगा, टाइम होगा नहीं होगा, सो अभी बना के भेजिए। ओके okay.